गल सुन मेरी तू मुटियारे की समझे अपने आप नू मेरे मगर तू की। आधा पे हम लोग देखिए रुके हुए हैं सारे फ्रेंड लोग, और यहाँ पे कुछ सेल्फी भी फोटो। वाह गाइस देखिए कितना मस्ती कर रहा है, देखिए मजा आ रहा है। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड कैसे आशा एंड विश्वास करता है बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड देखिए हम अभी आ चुके हैं सासाराम झरकुंड, जो आपको पीछे मेन गेट दिखाई दे रहा होगा। तो फ्रेंड यहां से देखिए हम लोग एंट्री करवा चुके हैं और पीछे में जो आपको धाम दिखाई दे रहा है गाइस, तो वहां से तारक चंडी है, तो वहां से हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ से स्टार्ट करेंगे मांझर कुंड को चलने के लिए। तो यहाँ से फ्रेंड अभी पहाड़ पे हम लोग चढ़ना है, लगभग 5 से 6 किलोमीटर है। तो फ्रेंड यहाँ से हम चलते हैं और फ्रेंड मेरा गाड़ी अंदर में लगा हुआ है, तो मेरा एंट्री भी हो चुका है। तो फ्रेंड यहाँ से स्टार्ट करते हैं और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं गाइस। तो देखिए मेरा गाड़ी अभी वहाँ पे लगा हुआ है, तो फ्रेंड मेरा भी एंट्री हो चुका है, तो अभी चलते हैं हम आगे में। हम लोग गाड़ी में आ चुके हैं और निकल चुके हैं मांझर कुंड के लिए। देखिए मेरे साथ है अंचल है, और देखिए ये हमारे बाबा हैं, ये देखिए सुधीर जी हैं, और उधर सोनू है, और पीछे में सौरभ, सौरभ है। बहुत ही ऊपर में चढ़ाई है यहाँ से देखिए, और रोड देखिए जैसे कि बनाया गया है पत्थर से, ताकि गाड़ी स्लिप ना करे और स्लिप करके लोग एक्सीडेंट ना करे, इसके वजह से देखिए रोड कैसा बनाया गया है। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग आगे कि यहाँ पे कितना खतरनाक टर्निंग है, बहुत ही ऊंचा चढ़ना पड़ता है मांझर कुंड के लिए। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. तो जैसे कि देख सकते हैं आप लोग उधर में जो आपको टावर दिख रहा है, उसको अपोजिट साइड से ही हाईवे गया है NH2, कोलकाता टू दिल्ली जो हाईवे है वहीं से आगे है। देख सकते हैं दिखाई दे रहा होगा ताराचंडी मंदिर, बिल्कुल ताराचंडी यहां से क्लीन दिखाई देगा आपको ताराचंडी मंदिर। देखिए फ्रेंड्स कितना चढ़ाई है यहाँ पे, बिल्कुल खतरनाक जगह है। जगह है यहाँ से हम लोग आ रहे हैं, और इस साइड में हम लोग आते हैं, देख सकते हैं कि साइड लेने में कितना प्रॉब्लम हो रहा है, कितना खाई है नीचे। यहाँ से देखिए यही है ताराचंडी मंदिर, देखिए आपको NH2 हाईवे दिख रहा होगा यहाँ से। फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे होंगे कि अभी हम लोग पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, और देखिए पहाड़ पे चढ़ने में कैसा रोड मिलता है। तो गाइस देखिए पहाड़ पे हम लोग आधा पे चढ़े हुए हैं और अभी चल रहे हैं। फ्रेंड देखिए आगे तक तो सीधा रोड है, फिर आगे में टर्निंग है, अभी हम लोग आधा चढ़ना बाकी है गाइस, तब लोग कंटिन्यू बने रहे। देखिए अभी हम लोग अभी ऊपर चढ़ चुके हैं और अभी तो ऊपर चढ़ना और बाकी है, तो अभी आधा पे हम लोग देखिए रुके हुए हैं सारे फ्रेंड लोग, और यहाँ पे कुछ सेल्फी भी फोटो वोटो वगैरह कुछ कुछ वीडियो वीडियो बन रहा है। और फ्रेंड देखिए पीछे मेरा गाड़ी भी लगा हुआ है, ये भी थक चुका है पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते। तो गाइस देखिए कैसा रोड है उस खाबा। तो फ्रेंड देखिए आपको पीछे का नजारा कितना खाई दिख रहा होगा, इधर में देखिए पहाड़ और फ्रेंड इधर में देखिए कितना खाई है, और देखिए वहां पे आपको रोड दिखाई दे रहा होगा। हम अपने गाड़ी के ऊपर बैठे हुए हैं और चल रहे हैं, देखिए आसपास का नजारा कितना अच्छा है। हम लोग ऊपर जा रहे हैं, देखिए भैया लोग पार हो रहे हैं। देख सकते हैं कितना नजारा, गाइस आप देख पा रहे होंगे वीडियो में कि पहाड़ के ऊपर हम लोग चढ़ चुके हैं और
पहाड़ के ऊपर में मेरा गाड़ी चल रही है। तो फ्रेंड्स देखिए और लोग आ भी रहे हैं, फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं अभी। तो गाइस देखिए पहाड़ के ऊपर में घर भी बना हुआ है, शायद दुकान वकान खोलने के लिए। तो फ्रेंड जस्ट आगे में मांझर कुंड है। तो फ्रेंड मेरे वीडियो में कंटिन्यू एंड तक बने रहिए, पूरा डिटेल में आपको मांझर कुंड का व्यू हम दिखाएंगे। तो फाइनली फ्रेंड देखिए हम पहुंच चुके हैं मांझर कुंड के अंतिम पॉइंट पे फ्रेंड। तो देखिए मेरा गाड़ी यहाँ पे पार्क है। और फ्रेंड देखिए और यहाँ से चलेंगे हम आगे, मांझर कुंड आगे में है। तो फ्रेंड यहाँ कुंड है, तो भाई आगे में धुआं कुंड है। तो चल रहे हैं, आप लोग मेरे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, आप लोग का पूरा डिटेल से सारे हम दिखाएंगे। तो फ्रेंड देखिए अभी चल रहे हैं, हम लोग उतर रहे हैं। और फ्रेंड देखिए आसपास का नज़ारा कितना खूबसूरत है। अभी तो धूप है तो उतना फ्रेश आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो फ्रेंड अभी चलते हैं इससे हम और नीचे। अभी हम मांझर कुंड के पास है और फ्रेंड देखिए यहाँ पे छाया है, तो अभी हम रुके हुए हैं। और आपको बता देते हैं गाइज कि अभी हम पहुँचे हैं जस्ट, और फ्रेंड हमको टाइम लग गया घर से यहाँ तक आने में फ्रेंड लगभग 4 से 5 घंटा। और गाइज दूरी तय किए हैं हम 90 से 95 किलोमीटर। तो फ्रेंड अभी टाइम हो रहा है 4 बज रहा है। तो गाइज चलते हैं मांझर कुंड में और फटाफट इंजॉय करते हैं। तो मेरे वीडियो में कंटिन्यू एंड तक आप लोग बने रहिएगा। तो फ्रेंड चलते हैं। तो देखिए आसपास का नज़ारा, देखिए भैया लोग आगे में पिकनिक मना रहे हैं, यह एक पिकनिक स्पॉट भी है। तो फ्रेंड देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कैमरा में पहाड़, गजब देखिए कैसा दृश्य आपको दिखाई दे रहा होगा। तो फ्रेंड इधर में देखिए बहुत सारा बैठने का व्यवस्था भी है, अगर आप नीचे से चढ़ते चढ़ते थक गए हैं फ्रेंड तो आकर ऊपर में आराम भी कर सकते हैं गाइस। तो और अभी हम आगे में चलते हैं। फ्रेंड देखिए आगे में रेलिंग बना हुआ है, तो इस रेलिंग को पार नहीं करना है। देखिए वहाँ पे चेतावनी भी आपको दिया गया है कि रेलिंग पार न करें, आगे गहरी खाई है। तो फ्रेंड आगे चलते हैं, आपको गहरी खाई दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड कैसा गहरा खाई है, और लोग यहाँ पे सेल्फी ले रहे हैं। और उस पार में देखिए मंदिर है गाइज, गाइज आप देख सकते हैं यही धुआं कुंड है जो मांझर कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड देखिए ऊपर से पानी कितना नीचे खाई में गिरता है, आप तो देख सकते हैं कैमरा में। हम वीडियो को रिकॉर्ड एकदम अंतिम पॉइंट से कर रहे हैं फ्रेंड। और देखिए अभी तो बारिश कम है, इसके बावजूद पानी कम गिर रहा है फ्रेंड। तो देखिए उधर में, इधर में सारे लोग कितना मस्ती कर रहे हैं। और फ्रेंड इधर तो धुआं कुंड है, तो गाइज यहाँ पे लोग सेल्फी ले रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि ये अंतिम पॉइंट है, यहाँ से पानी नीचे की ओर गिरता है। तो गाइज अभी चलते हैं हम मांझर कुंड की तरफ जो उधर में है, तो वहाँ का दृश्य आपको दिखाते हैं फ्रेंड। ये इस पुल को पार कर कर हम लोग चलेंगे मांझर कुंड, जहाँ पर पानी ऊपर से गिरता है फ्रेंड अंतिम पॉइंट पर। देखिए उधर में सारे लोग मस्ती कर रहे हैं, तो फ्रेंड चलेंगे उधर में। तो गाइज देखिए इस पुल को अभी हम लोग पार कर रहे हैं फ्रेंड, देखिए कितना मस्त पुल है। संदीप ना तो आगे आगे चल रहे हैं, और देखिए कितना पतला भी है। तो गाइस चलते हैं अभी हम लोग उधर, देख सकते हैं मांझर कुंड के अंतिम पॉइंट पे हम आ चुके हैं। और फ्रेंड देखिए यहाँ पे सारे लोग कितना मस्त एंजॉय कर रहे हैं, आपको हम कैमरा को जूम करके दिखाते हैं फ्रेंड। देखिए सारे लोग किस तरह मस्ती कर रहे हैं फ्रेंड, देखिए आपको जहाँ तक दिखाई देगा सारे लोग सिर्फ मस्ती एंजॉय कर रहे हैं गाइस, सारे लोग इंजॉय और मस्ती कर रहे हैं मेरे दोस्त लोग। तो फ्रेंड ज़्यादा पिछलाहट है, काई बैठा हुआ है, देखिए सारे लोग कितना इंजॉय कर रहे हैं फ्रेंड, देखिए मज़े ले रहे हैं मांझर कुंड का। तो फ्रेंड देखिए सारे पानी निकल रहा है, आप देख सकते हैं, जूम करके आपको दिखाते हैं फ्रेंड। और गाइस देखिए कितना सारे लोग इंजॉय कर रहे हैं कि हम आ चुके हैं मांझर कुंड के, जहाँ पानी नीचे गिरता है। तो फ्रेंड देखिए उधर में सारे लोग, मेरा फ्रेंड लोग मस्ती कर रहा है। तो फ्रेंड चलते हैं हम भी और मस्ती करते हैं। उधर में फ्रेंड देखिए पानी गिर रहा है पहाड़ के नीचे से, तो गाइस जब चल रहे हैं। और देखिए आसपास का नज़ारा इतना खूबसूरत है, देख सकते हैं फ्रेंड। और देखिए सारे लोग इधर मस्ती इंजॉय कर रहे हैं गाइस, देखिए वाह सारे लोग कितना मजा कर रहे हैं।
एंजॉय कर रहे हैं। वाह गाइस देखिए कितना मस्ती कर रहा है, देखिए मजा आ रहा है। ये मांजर को कितना मस्ती कर रहे हैं, देखिए पानी का देखिए पहाड़ के अंदर शो कर रहा है, अंदर अंदर देखिए कितना मजा आ रहा है। ट्रेंड देखिए कितना मस्त पानी गिर रहा है और देखिए सारे लोग कितना गाइस एंजॉय कर रहे हैं। देखिए हम लोग मांझर कुंड में स्नान और ढेर सारा मस्ती कर लिए फ्रेंड, और सारे फ्रेंड लोग देखिए और सारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी स्नान और मस्ती कर रहे हैं। अभी हम लोग मांझर कुंड में ही हैं और अभी टाइम हो रहा है फ्रेंड्स 5:55 हो रहा है। और फ्रेंड देखिए अभी इस टाइम में हम लोग यहीं पे हैं, तो फ्रेंड यहां से निकलेंगे। और गाइस देखिए शाम भी हो चुका है और फ्रेंड देखिए शाम का नज़ारा कितना मस्त है। गाइस तो देखिए एकदम मौसम भी दोस्त एकदम मौसम है, शाम हो चुका है। और गाइस देखिए अभी हम लोग मांझर कुंड के पर्वत पर ही हैं, अभी पहाड़ पे ही हैं, मांझर कुंड के वादियों में ही चल रहे हैं। गाइस आप लोग देख सकते हैं नज़ारा आसपास का, एकदम जंगल दिख रहा होगा। तो गाइस यहाँ चलते हैं अपने गाड़ी के पास, गाड़ी मेरा आगे में है। तो फ्रेंड देखिए अभी हम लोग चल रहे हैं, अपने गाड़ी के पास आ चुके हैं और गाड़ी में सारा सामान पैक हो रहा है जो कपड़ा था। तो फ्रेंड और देखिए शाम भी हो चुका है और अभी हम लोग मांझर कुंड के वादियों में ही हैं। तो फ्रेंड यहाँ से निकलेंगे हम लोग घर, और घर जाने में गाइस टाइम लग जाएगा 4-5 घंटा। तो फ्रेंड ठीक है क्योंकि नाइट हो जाएगी, तो इस ब्लॉग में यहीं पेंट करते हैं और मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट ब्लॉग में। और मेरा वीडियो कैसा लगा मांझर कुंड का तो फ्रेंड आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरा वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए। तो ठीक है फ्रेंड, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।